नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर योग कर जागरूकता संदेश दिया। इसके साथ ही गाजीपुर में भी आज विश्व योग दिवस मनाया गया और विभिन्न योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग करने में बरेली भी पीछे नहीं रहा। बरेली में जेल के कैदियों ने भी योग किया। योग को लेकर कैदियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। योग गुरु ने कैदियों को विस्तार से पहले तो योग के बारे में जानकारी दी, उसके बाद सभी कैदियों ने जेल के मैदान में योग भी किया। वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में मसानी स्थित वेद मंदिर पर भी योग शिविर लगाया गया। डॉक्टर डीसी खंडेलवाल द्वारा यहाँ आए हुए लोगों को योग कराया गया और उन्हें योग से स्वस्थ होने के बारे में जानकारी भी दी गई। बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील के राजा सुलिपिक कौशल हुसैन का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्रेस नोट जारी किया। जारी प्रेस नोट के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजा सुलिपिक किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा है। वीडियो में लिपिक व्यक्ति से जमीन फ्री होल्ड कराने के लिए रुपया लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो कर्मचारी आश्रय नियमावली के खिलाफ है। इसी क्रम में राजा सुलिपिक कौशल हुसैन ने के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही लिपिक को निलंबित भी कर दिया गया। फर्रुखाबाद से पुलिस की दबंगई की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दारोगा विवेक राणा मामूली शिकायत पर घर पर सो रहे युवक को उठाकर ले गए और रास्ते में जमकर मारपिटाई की, जिसके बाद थाने ले जाकर युवक को छोड़ दिया गया। युवक ने दारोगा के खिलाफ थाना अध्यक्ष से शिकायत की है। शिकायत में युवक ने कहा कि दारोगा ने पैसे लेकर उसके साथ मारपिटाई की है। जहानगंज के मेहमदपुर अमेलिया का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला ये हुआ, हम चोरा के बंगे मेरे बीबी धनगन ने गाली हुआ किया जी। फिर हम बोले हैं जी, हमें उठा के ले आए, रास्ता में मार लगाई, ऐसी मार लगाई, चोर को क्या मारोगे। उन्नाव के अंतरधनी गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस ने जंगल में संदिग्धों को देखकर रोकने की कोशिश की, तभी चारों संदिग्धों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश को ढेर कर दिया। वहीं तीन बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि बदमाश गौकशी करने जंगल में आए थे। पिछले काफी समय से राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ था, जो कि अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लंबे समय से जलभराव से हो रही समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों को अब कटान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर के कम होते ही कई बीघा खेत और पेड़ पौधे नदी में डूब चुके हैं। हो रहे कटाव की वजह से कई गांव के लोग अपने आशियाने उजड़ते हुए देख रहे हैं। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ऑडियो में सांसद ऐसे को कुत्ते का पैर तोड़ने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश देती हुई सुनाई दे रही हैं। लखनऊ एसटीएफ ने धन परिवर्तन करवाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अमर गौतम और जहांगीर लोगों को लालच देकर उनका धन परिवर्तन करवाते थे और इसी काम के लिए इनको आईएसआई से फंडिंग भी मिलती थी। ये लोग आमतौर पर मुखबादर बच्चों और महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धन परिवर्तन करा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उन्नाव के बांगरमऊ नगर पालिका अध्यक्ष इजहार खान गुटू ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि मैं अपने घर में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता रहता हूं, तभी मोहल्ला सराय का रहने वाला अहमद हुसैन उर्फ लभीरी अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच गया और शौचालय निर्माण को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर वो वहां से चला गया। कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में नगर पालिका अध्यक्ष ने सरकार से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये सत्य है, आज दोपहर में जब हम अपने कैंप कार्यालय जो हमारे आवास पर ही स्थित है, जहाँ पे हम इस समय बैठे हुए हैं, यहीं पे लोगों की जन समस्याओं से रूबरू हो रहे थे, तभी दो व्यक्ति आते हैं। एक हमारे कस्बे का है, एक अनजान आदमी था। ये दोनों लोग आए तो इसने तो अपने ढाठा हटा दिया, लेकिन ये जो संदिग्ध आदमी था ये अपना ढाठा बांधे हुए था और आ करके जमीन पर नौजवान आदमी था, बहुत ही हुष्ट पुष्ट टाइप का, तो ये आकर के अकारण ही यहाँ पे हमसे एक लैट्रिन के निर्माण के लिए ये हमसे अकारण उलझने लगा, जैसे जबरदस्ती कोई किसी से एक झगड़ा करना। और ये उस चीज़ पे आमादा हुआ कि हम कुछ ऐसी बात कहें ताकि ये कुछ और वो करे, लेकिन हमने थोड़ा सा धैर्यता का परिचय देते हुए
उनसे और जो उनके साथ में आए थे उनसे हमने कहा कि ये कार्य हम नहीं करवा पाएंगे, इस नाते से फिर वो यहाँ से निकलने के बाद बाहर खड़ा बड़ी देर तक की उल्टी सीधी बातें बोला किया। वाराणसी में निर्जला एकादशी के पर्व पर काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति ने गंगा घाट से कलश यात्रा निकाली, जो कई रास्तों से होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा का दुग्धाभिषेक कर संपन्न हुई। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति पिछले कई सालों से निर्जला एकादशी के पर्व पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करती है, लेकिन इस बार गंगा का जल हरा हो जाने के कारण बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रा में सिर्फ 25 लोगों ने ही भाग लिया। काशी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 1998 से शंकराचार्य जी का काशी में आगमन हुआ था और उन्होंने बाबा के जलाभिषेक की प्रेरणा रखी थी। उस समय से एक सुप्रभातम की पहल जो कि काशी में कलश यात्रा के रूप में राजेंद्र प्रसाद घाट से आरंभ होती है और बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करती है। इसी क्रम में इस वर्ष करोना को ध्यान में रखते हुए यह परंपरा का निर्वाह बड़े सूक्ष्म रूप में किया गया। जिला पंचायत सदस्य के पति सोनू विश्वकर्मा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब सोनू विश्वकर्मा एक दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उन पर गोलियां चला दी। हालांकि गोली सोनू को नहीं लगी, बदमाशों ने भागते समय उनका तमंचा वहां पर गिर गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सोनू विश्वकर्मा को गनर की सुरक्षा दी है। कंधई रतनमयी गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 20/6/2021 को रात्रि लगभग 9 बजे थाना कंधई से यह सूचना प्राप्त हुई कि सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा उर्फ सोनू विश्वकर्मा, जो कि रतनमयी गांव के रहने वाले हैं, उनका यह कहना था कि वजीरपुर के पास सुरेश यादव की चाय की दुकान है जो कि बंद थी, वहां 1.5-2 घंटे से बैठे थे। इतने में दो बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए और उनके ऊपर फायरिंग करके भाग गए। हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि घटना के क्या कारण हैं, और तमंचे को खोल करके देखा गया है और उसमें कारतूस में से कोई बारूद की महक नहीं आ रही है। बरेली के आंवला में एक सांड निर्माणधीन 100 बेड के महिला अस्पताल की 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना नगर पालिका को दी। नगर पालिका की टीम के लोगों ने बमुश्किल जेसीबी की मदद से सांड को उतारा। इस दौरान सांड ने कई लोगों को चोटिल भी किया। रामपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज चमरोआ के एक इंटर कॉलेज में जान है तो जहान है वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से बात करते हुए बोले कि जान है तो जहान है वैक्सीनेशन का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में चल रहा है और इसके तहत करोड़ों लोगों का टीकाकरण हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना की जो मारक क्षमता है वो कमजोर हुई है। ये जान है तो जहान है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों लोगों को का टीकाकरण हुआ है, जिसकी वजह से जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कमज़ोर भी हुई है और कोरोना जो है वो ख़त्म होने के रास्ते पे जा रहा है। लेकिन हमें अगर टीके से अदावत, कोरोना को दावत है। बरेली में एक प्रेमी युगल ने अपना वीडियो वायरल कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो को वायरल करने वाले युवक यवेंद्र और युवती शहाना बीजरी चैनपुर के सैदपुर कुर्मानिया के रहने वाले हैं। रविंद्र के मुताबिक दोनों के धर्म अलग होने के चलते उनके घर वाले उनके प्यार में आड़े आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करके जिंदगी भर साथ रहना चाहते थे। वीडियो वायरल करने के बाद दोनों लोगों ने थाने पहुंचकर मदद की गुहार भी लगाई है। थाने में दोनों के परिजनों को बुलाया गया, जहां दोनों के परिजनों ने दोनों को बालिग होने की बात बोलकर कोई भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। मेरा नाम रविंदर है, इनका नाम सहाना है और ये हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये कल अपने घर से बिन बताए घर पे बिना बोले कल घर से निकल आई थी, तो ये मेरे पास आ गई हैं और ये बोल रही हैं कि हमें शादी तुमसे ही करनी है। तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी मुझे प्रोसेस अच्छा लगा, मैंने कहा थाने चल रहे हैं तो हम थाना इंचार्ज बिथरी चैनपुर के पास जा रहे हैं और SSP महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए, हमें इंसानियत के आधार पर देखा जाए और इंसानियत के ही आधार पर हमारा फैसला किया जाए। कृपया हमारा सहयोग करें, जो भी होगा हम थाना अध्यक्ष जी को पूरी घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। दिनांक 20/6/2021 को समय करीब 2 बजे सहाना पुत्री बदाम बख्श एवं रविंद्र पुत्र स्वर्गीय कृष्णपाल थाना भित्री चैनपुरा है, इन दोनों के द्वारा बताया गया कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और दोनों बालिग हैं। उक्त सूचना पर थाना भित्री चैनपुर के द्वारा दोनों के परिजनों को सूचित किया गया। दोनों के परिजन थाने पर आए। लड़की के जो पिता हैं बदाम बख्श, इनके द्वारा थाने पर लिखित रूप से यह बताया गया कि सहना की उम्र करीब 20 वर्ष है और यह बालिग है, अपनी मर्जी की मालिक है और ये जहां शादी करना चाहे वहां शादी कर सकती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं और भविष्य में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर दूसरे पक्ष जो लड़का है, लड़के के परिजन भी थाने पर आए थे, उनके द्वारा भी यह बात बताई गई कि रविंद्र की उम्र करीब 22 वर्ष है, वो बालिग है, अपने मर्जी का मालिक है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है, हमें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है और हम इसमें किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पीलीभीत के मरिया ब्लॉक में नव निर्वाचित विधानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएम पुलकित खरे और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर विधानों से चर्चा की। डीएम ने गांव में जल्द से जल्द कोरोना टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक ने कहा शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण होने पर गाँव के विकास कार्यों को लेकर कुछ धनराशि जरूर दी जाएगी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब बिहार से दिल्ली जाते समय अचानक बस का एक्सल टूट गया। हादसे में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस पलटने की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना महान इलाके की ये पूरी घटना। सर आज क्या घटना हुई यमुना एक्सप्रेसवे पर? थाना महान क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 118 के निकट एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रथम दृष्टया इसका एक्सल टूटने से घटनाकारित होना पाया जा रहा है। इसमें लगभग 20-25 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी किसी की डेथ की सूचना नहीं है। जांच करके इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। बरेली में एक शादी के रंग में भंग तब पड़ गया जब शादी कर रहे युवक की पहली पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस को लेकर अपने पति की शादी में पहुंच गई। पत्नी और पुलिस को शादी में आता देख पति शादी के मंडप से फरार हो गया। अज्ञात सूचना मिली थी कि इनकी शादी होने वाली है आज बरेली में जी। ठीक है, तो मैं कल थाने गई। ठीक है, तो मेरा मतलब मैंने इनका एसपी से मतलब लोकेशन पर डलवाया फोन, मुझे पता चल गया। मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ आने के बाद मैं फिर एसपी ऑफिस गई। यहाँ एसपी ऑफिस के बाद जाने के बाद मैं सर मतलब दूसरे मतलब बरादरी में गई। ठीक है, मैंने वहाँ हेल्प मांगी तो मुझे हेल्प मिली, क्योंकि इसलिए हेल्प मिली, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। कितनी कितनी उम्र इनकी बच्चों की? बच्चों की उम्र है 1 6 साल की है, 1 8 साल की है। दोनों बच्चे हैं। डिस्प्यूट हमारे ये था, इनका एक लड़की से अफेयर चल रहा था बहुत पहले से। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता जी। इनका बहुत पहले से लड़की से अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके फोटो इनके साथ देखे। आपकी शादी से पहले या आप शादी के बाद? अच्छा, शादी के बाद। ये ड्रिंक भी बहुत करती है, कुछ काम नहीं करती, ये ड्रिंक भी बहुत करती है। तो इनका मैंने लड़की के साथ फोटो देखा, मैंने ये कहा तुम्हारा जो कुछ हुआ हो उसको खत्म कर दो। ठीक है, अपनी घर गृहस्थी देखो, अगर नहीं तो ठीक है, ऐसा है हमें चैन से रहने दो हमारे बच्चों के साथ, आपका मन हो सो करो। बदायूं के सेसवान में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में पिकअप वाहन खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। लोगों को वैक्सीन लगवाने को जागरूकता संदेश लगातार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए रविवार को मुजफ्फरनगर के सफीपुर पट्टी में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि बढ़ाना कस्बा में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता का घर है, जहां वो कोरोना काल में अपने परिजनों के साथ रह रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए संदेश भी दिया है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी को COVID-19 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसके चलते सभी मास्क लगाकर रखें, बार बार हाथों को अच्छी तरह से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी 18 से ज्यादा आयु के लोग कोरोना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर मुजफ्फरनगर की जनता को जागरूक करने के लिए शनिवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था, जो इस समय जमकर वायरल हो रहा है।
मैं चाहता हूँ कि जितना भी पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। जी जी, है ना। तो हर तरीके से मतलब यूज़फुल है पर्यावरण को सुरक्षित रखना और पर्यावरण को बढ़ावा देना जो है, और लोग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हमने तो अभी पिछले साल से शुरुआत की थी, बट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिस विदेशी महिला को निस्वार्थ गौ माता की सेवा करने के लिए पद्मश्री सम्मान से गौरवान्वित किया गया, आज वही विदेशी सुदेवी दासी अपनी जान की रक्षा करने की गुहार लगाने के लिए एसएसपी के पास पहुंची, क्योंकि गोवर्धन के राधाकुंड इलाके में जर्मनी की महिला पिछले 30 सालों से गाय की निस्वार्थ सेवा और आवारा पशुओं का इलाज करती आ रही है। सुदेवी दासी एक गौशाला भी चलाती हैं जो कि 3 एकड़ जमीन में बनी हुई है। कुछ दबंग उसी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और सुदेवी दासी को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को सुदेवी दासी न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने आश्वासन देने के बाद दबंगों पर कार्रवाई करने के लिए क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी को जाँच सौंप दी है। मैं यहाँ आया हूँ एसएसपी से प्रोटेक्शन मांगने के लिए, क्योंकि जिस जगह हमारा गौशाला है वो जमींदार वो हमें भगाना चाह रही वहाँ से, और हमें डराता और लड़ाई करते रहते हैं, और कभी बोलता मैं गोली मार दूंगा, कभी बोलता मैं तुमको भगा दूंगा, कभी लड़ानी मना कर बनाना मना करता, कभी कुछ करता। तो लड़ाई करते करते हमें आपने जान के खतरा समझ रहे हैं, और हम तो चले जाएगा भी, लेकिन कहीं जगह कहाँ जाएंगे, और जो रोज़ आता 10-20 केस रोज़ आता वो कहाँ जाएंगे, वो तो फिर पड़ा रहेंगे रोज मन। इसलिए गौशाला आगे भी चले और मेरे जान भी बचे, अभी एप्लीकेशन लिया नहीं है कोई। हरदोई के स्टेशन रोड स्थित स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल में नन्हे बच्चों ने बचपन से ही लगातार चलने वाले योग की क्रियाएं करके योग फॉर वेलनेस का संदेश दिया है। बच्चों ने कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी का भी संदेश दिया, जिससे कि बच्चे जीवन में अनुशासन को अपना कर स्वास्थ्य से सफलता पा सके। मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल है। आज मैंने योगा किया। योगा करने से हम सब स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ स्कूल में 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है। वैसे स्कूल के करिकुलम का योग एक अभिन्न अंग रहा है, हम हमेशा योग कराते हैं, ये एक दैनिक चर्या है। इस पैंडेमिक के समय में भी ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग चलती रही, योग की क्लासेस चलती रही। इस दिवस को मनाने के लिए खास तौर से 10 दिन का एक वर्कशॉप रखा गया, जिसमें हमने अभिभावकों को भी इनवाइट किया और अभिभावकों ने भी इस क्लास को ज्वाइन किया और योग किया। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।